नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक हो? तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि चिड़िया की बच्चे, तो इसके लेखक कौन थे? जैनेन्द्र कुमार जी। इस पार्ट में कौन कौन था? एक तो चिड़िया की बच्ची थी और एक सेठ था माधवदास, जिसने एक बाग बनाया हुआ था। उसको फूलों का बहुत पसंद थे, फूलों का बाग, पंछी भी उसको अच्छे लगते थे। तो उसने चिड़िया को अपने पास रखने के लिए क्या किया था? तरह तरह के प्रलोभन दिए थे। अब मैं आपको बताऊंगी उसने और क्या क्या किया। तो सेठ ने क्या किया, चिड़िया के पास गए और चिड़िया, ताकि चिड़िया उड़ ना जाए, तो सेठ ने क्या किया, चिड़िया उड़ ना जाए इसलिए उसके पास गए और उसको बातों में उलझा के रखा कि अरे चिड़िया रानी, तुमने ये बाग देखा है, ये फूल देखा है, कितने सुंदर सुंदर है। और चिड़िया रानी, क्या तुम मुझे नहीं जानती? सेठ ने चिड़िया को बातों में लगा रखा और सेठ ने अपने नौकर को कहा इशारा करके कि तब मैं घंटी बजाऊंगा तो तुम पीछे से आके चिड़िया को पकड़ लेना। तो इस प्रकार से सेठ चिड़िया से बातें करने लगा, तो चिड़िया डर गई और चिड़िया बोली अरे नहीं मैं, सेठ बोला क्या चिड़िया तुम मुझे नहीं जानती हो, तुम मुझे मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता। तो चिड़िया बोली अरे नहीं नहीं मैं तो आसमान में फूलों को जानती हूँ, हवा को जानती हूँ, सूरज को जानती हूँ और घास को जानती हूँ, मैं इंसानों को नहीं जानती, मैं तो आपके बाग में थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठी थी। इस तरह से फिर अचानक से घंटी बजी और अंदर से सेठ का नौकर आया और चिड़िया को पकड़ने ही लगा और चिड़िया फूर से उड़ गई और घबरा कर जल्दी से अपनी माँ के पास गई और वहाँ जाकर चिड़िया का बच्चा रोने लगा, वो सहम सा गया। तो इस प्रकार से सेठ माधवदास ने अपने मनोरंजन के लिए एक पक्षी को बहला कर फुसला कर रखना चाहा, उसको बातों में उलझा कर उसको धोखा देना चाहा। तो ऐसा इंसानों के साथ भी होता है बच्चों, ऐसे इंसान भी करते हैं। हमें किसी भी पक्षी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए और ना ही हमें अपने मित्र के साथ, दोस्तों के साथ, परिवार में ऐसा कुछ भी करना चाहिए। अब देखिए इससे हमें क्या 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 सीख मिलती है। इसे हमें जैनेन्द्र कुमार बताना चाहते हैं कि जीवों को सताना बुरी बात है, जीवों को सताना बुरी बात होती है। हमारा कथन और कर्म समान होना चाहिए। कथन का मतलब होता है बच्चों जो हम कहते हैं, हम जो कहते हैं हमारा कहना और करना एक समान होना चाहिए। हम कहते तो प्यार तो दिखाते हैं और दिल में कुछ और रखते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। हमारा कथन और कर्म समान होना चाहिए। सच्चा सुख माता पिता के साथ ही मिलता है। हम किधर भी चले जाएं, कितनी सुख सुविधाएं हों, एक बच्चे को सुख, सच्चा सुख अपने माता पिता के पास ही मिलता है। तो अब बच्चों पहले आप ये पाठ पढ़ेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है कि पीछे पाठ के पीछे आपको नए शब्द दिए हुए हैं, नए शब्द रेखांकित करने हैं, जो जो आपको, अगर आपको नहीं भी दिए हुए हैं तो कम से कम 10 से 15 शब्द आपको रेखांकित करने हैं जो आपको कठिन लगते हैं। और आपको मन मानचित्र, देखो ऐसे मन मानचित्र बनाना, चिड़िया का बच्चा और एक फूलों का गार्डन बनाना है, फूलों का बाग बनाना है, समझ में आए? उसके बाद मैंने आपको मन मानचित्र के बाद नए शब्द लिखने हैं। कल मैं आपको बताऊंगी कि प्रश्न उत्तर कैसे लिखने हैं। धन्यवाद।